नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम इस शीट को देखें जो एक शतरंज की बिसात है और ये चार मोहरों ने आज क्या किया है, रिटेलर जो है वो बुलिश व्यू लेके गए हैं, FII भी बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रास जो है वो बीरिश व्यू लेके गए हैं और DII भी बीरिश व्यू लेके गए हैं। और इन सब के बीच में एक चीज़ है कि रिटेलर जो है वो FII की चाल चल रहे हैं अब, और प्रास ने और कॉल राइटिंग कर दिया। तो अगर मार्केट कल भी ऊपर गई तो प्रास कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लाने की, लेकिन अगर उसके हाथ से निकलती हुई दिखाई दी तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे मार्केट ऊपर जा सकती है। और ये जो मायावी खेल है कॉल पुट का, उसमें कल कौन विन होगा? तो शायद कल ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कॉल वालों का दिन हो सकता है, अगर आज US मार्केट ने धोखा नहीं दिया लंबा वाला। और अगर आज नेगेटिव बंद होती भी है US मार्केट, सुबह जब हमारी मार्केट ऊपर ओपन होगी और अगर फ्यूचर US मार्केट के पॉजिटिव हुए तो हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। वैसे भी अभी SGX निफ्टी ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट कामकाज कर रही है, कोई लंबी चौड़ी जो है उसमें बढ़त नहीं है। तो हो क्या सकता है, एक बार आप शीट को अगर देख रहे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किस रेंज पे खरीदनी है। दोस्तों, अगर आपने कल वो किया होगा, देखा होगा, तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं थोड़ा सा नेगेटिव था डाटा को देख के। बैंक निफ्टी में एक लेवल था 36200, मैंने कहा था इसके आसपास आनी चाहिए और यहाँ पे बाय बनता है। तो आपने देखा एग्जैक्ट इसी के आसपास लेवल्स के आसपास आई और वहाँ से कितनी अच्छी जो है रिकवरी दी। और जो हमारा पेड ग्रुप है मेंबर्स का, उसमें 36500 की कॉल जो है मैंने बाय करने की सजेशन दी थी और इस कॉल में जो है मेंबर्स ने प्रॉफिट भी बुक किया। हालांकि प्रॉफिट बहुत अच्छा था, लेकिन 20-25-30-50 रुपए का ट्रेड जो है वो इजीली मिल जाता है अगर आपको रेंज और लेवल्स का पता हो तो। और दूसरा, मैंने एक बात बोली थी निफ्टी बाय करनी है अगर वो कल की रेंज के आसपास आए तो 17300 यहाँ तक निफ्टी आई और यहाँ से उसने भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया। और ये रिवर्सल इस बात का संकेत है कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगी और कैश में भी आज FII DII ने कोई लंबी चौड़ी सेलिंग नहीं की। FII ने इंडेक्स फ्यूचर और इनफैक्ट लॉन्ग किया है, कॉल और खरीदी है, पुट भी खरीदी है, लेकिन ये पुट जो है मुझे चकमा देने के लिए लग रहा है कि वो यहाँ पर धोखा देना चाहते हैं इस पुट को दिखा के। और साथ में स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बेच रहे हैं, लेकिन अभी भी 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कम नहीं है किसी भी लिहाज से। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो उनके पास माल पड़ा हुआ है, जो उन्होंने ये स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, ये हैवी वेट्स के खरीदे हैं। अब रिलायंस के खरीदे होंगे, जो रिलायंस चला है जितने हैवी वेट्स हैं वही निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मेरा अभी भी पॉजिटिव बायस है, जब तक कि मुझे पुट में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता नहीं नज़र आता तो मार्केट अभी जो है वो पॉजिटिव ही डायरेक्शन में चलेगी। क्योंकि किसी भी तरह से ये डाटा बड़े प्लेयर्स के लिहाज से नेगेटिव नहीं है, तो क्या हो सकता है अगर 17300 अच्छी सपोर्ट है नीचे। वैसे 17400 पे ही जो है वो रेजिस्टेंस है, 17400 पे ही रेजिस्टेंस है। तो लेकिन अगर एक गैप अप मिलता है 50-60 पॉइंट का और 17430 के ऊपर मार्केट निकली, तो आज जो हाई मार्केट ने लगाया वही हाई जो है उसका एक बार के लिए लगना चाहिए और उसके बाद जो है प्लेयर्स अपना काम करते हुए नज़र आएंगे। तो पहले 15 मिनट आप जो है मार्केट का एक्शन वॉच करना कि मार्केट की ओपनिंग क्या होती है। गैप अप मिलती है तो कॉल्स में से अगर आपने होल्ड किए हैं तो एक बार के लिए आउट हो जाना, क्योंकि वही कॉल्स आपको सस्ते में दोबारा से लेने को मिल जाएंगी। और आपको ये सोचोगे कॉल से निकल जाना, हम खुलते ही पुट ले लेंगे, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डाटा फॉर्मेशन में टाइम देना, 15 मिनट में जो है वो रिटेलर अपना काम कर लेते हैं,
काल खरीदनी हो काल खरीद लेते हैं, पुट खरीदनी हो पुट खरीद लेते हैं। तो जिस तरह वो खरीदते हैं बड़े प्लेयर्स उस पर नज़र रखते हैं और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को जो है वो शुरू कर देते हैं चलाना। तो आज तो US मार्केट बंद थी और हमें एक झटका थोड़ा सा लग गया, लेकिन कल लगेगा क्या होगा वो डिपेंड करेगा, एक तो वर्ल्ड मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है, एशिया कैसे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम नीचे ओपन होते हैं गैप डाउन मिलती है तो हम वापस उसी स्पीड से ऊपर आ जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना क्योंकि डाटा पॉजिटिव है, जो भी सपोर्ट लेवल होंगे वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो अगर आपको 17,300 के आसपास मिलती है तो आप एक बार के लिए कॉल बाय करना, 17,450-480 इस रेंज में आप 17,500 की पुट ये ट्राई कर सकते हो। अगर किसी का मन करेगा कि हमें पुट ट्राई करनी है तो 17,450-480 यहाँ पे मार्केट जाए तो यहाँ पे एक बार के लिए आप पुट ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है दोस्तों, जैसा बैंक निफ्टी के लिए बोला था 36,200 यहाँ पे बाय बनता था, अगर किसी ने खरीदा होगा तो प्रॉफिट भी लिया होगा। और कल जो मैं लाइव मार्केट में आज देख रहा था, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि डाटा जो है वो पॉजिटिव है, आज बैंक निफ्टी थोड़ी सा जो है हल्की हुई है, तो उस हल्केपन में अब बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। और वैसे भी 36,000 से लेके 37,000 तक दबा के कॉल राइटिंग हुई है, 36,500 पे मार्केट है और कॉल राइटिंग किस पे हुई है 36,000 के लेवल पे, 500 पॉइंट ऊपर है मार्केट, और 36,500 पे दबा के कॉल राइटिंग हुई है, 36,600, 700, 800 हर जगह। तो इसलिए दोस्तों अगर 36,600 बैंक निफ्टी स्पॉट इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है पहले 15 मिनट, तो जो कॉल राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। फिर बैंक निफ्टी जो है 36,800 से लेके 37,000 इस रेंज तक जाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर एक बार के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो जो आज का लेवल है 36,200 यहीं पे वापस आपको सपोर्ट लेती हुई नज़र आएगी। तो इस केस में आप 36,000 की कॉल ट्राई कर सकते हो और मैं यही काम करूँगा। और ऊपर अगर मुझे मौका मिला, डाटा ने साथ दिया, तो 37,000 की पुट ट्राई करने की कोशिश करूँगा अगर मार्केट इसके आसपास पहुँची तो। अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है कल तेज हो सकती है और अगले कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आप देखोगे बैंकिंग शेयर जो है वो आउट परफॉर्म भी करेंगे, जो निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में सहायता देगा और बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में सहायता देगा। लेकिन लाइव मार्केट पे डाटा पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर डाटा आपको पता ही है बड़ी जल्दी चेंज होता है, जैसे आज बैंक निफ्टी ने मूव दिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आवर बाट से आवर सोल्ड लेवल में चलेगी, इतनी आवर सोल्ड चलेगी, फिर ये ऊपर तक आई जो इसकी नॉर्मल रेंज थे, फिर वहाँ से ये जाते जाते फिर यहाँ पे नॉकडाउन किया। और नॉकडाउन किसने किया, हमारे प्रास ने किया, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे कॉल सप्लाई की। तो प्रास कल भी कोशिश करेंगे कि मार्केट को कंट्रोल करने की। और बैंक निफ्टी का डाटा ज़्यादा वोलाटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आज भी जो निफ्टी नीचे आई उसको मैक्सिमम जो हाथ था वो बैंक निफ्टी का था, और अगर कल बैंक निफ्टी भी तेज हो गई तो निफ्टी जो है वो ऑटोमेटिकली तेज होगी। तो आप जो है लेवल्स पे ध्यान रखना, रेंज पे ध्यान रखना, और जिस तरफ पहले आए उस तरफ से कॉल या पुट में ट्रेड लेना तो आपको मुनाफा मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो बैंक निफ्टी की मैं चलते चलते रेंज बता देता हूँ, जो मुझे लग रहा है वो 36,200 से 36,800-37,000 ये रेंज कॉल के लिए रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले। मेरे बाद दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा उससे फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार के लिए डिटेल मेरे साथ शेयर कर देना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय।